हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बारबेक्यू नेशन का। मेरे घर पे आए थे मेरे छोटे मामा और वो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। तो यहाँ मेरी मामी जो है वो मम्मा को गिफ्ट्स दे रही हैं। गिफ्ट्स देने से ना प्यार मोहब्बत बढ़ता है और बहुत अच्छा भी लगता है जब आपको कोई इतने दिल से इतने प्यार से गिफ्ट्स दे। तो हमें मिला है ये एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें है बहुत सारे चिप्स, नमकीन, स्वीट कॉर्न्स, केक्स, कुकीज़ और बहुत सारी यमी गुडीज़। और इसी के साथ हमें गिफ्ट किया गया है एक प्यारी सी बेडशीट। तो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मामा का फ़ोन आया कि मैं जो हूँ वो देर से आऊँगा तो तुम लंच मत बनाना मेरे लिए। तो मम्मा ने भी बोला चलो ठीक है, लेकिन फिर ना मम्मा ने बोला कि मामा को मैसेज करके बोल दो कि बिरयानी बनेगी दोपहर में, तो वो दोपहर तक आ जाए। और फिर बहुत लेट हो गया था तो हम लोग सो गए। एंड एज यू मैं एरोप्लेन मोड ऑन करके सोती हूँ तो मैसेजेस रिसीव नहीं हुए। और उसके बाद जब सुबह को उठे तो दोपहर को देखा तो मामा आ रहे हैं। और इतने हम दोनों हैरान हो गए, मम्मा और मैं, कि ये क्या हुआ भाई। तो फिर हमने फिर खाना जो है वो बाहर से अरेंज कर लिया था। तो दिल्ली में तो कोई परेशानी नहीं होती है, बाहर से इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो आप हम बाहर से हमने अरेंज कर लिया था सब कुछ और फिर बस हमने वो खाया। सारी चीज़ें बहुत टेस्टी थी। हमने ऑर्डर किया था मिक्स वेज बिरयानी, सोय चाप और आलू के पराठे, ये सब बहुत टेस्टी था। लेकिन उसमें भी मम्मा कह रही थी कि एक चीज़ तो मैं ज़रूर ही घर में बनाऊँगी, तो उन्होंने तब भी ना कीमा बना लिया था। तो सब ने वही खाया ज़्यादातर, सबको वो बहुत पसंद आया क्योंकि होममेड चीज़ की तो बात ही अलग होती है ना। इतने दिल से इंसान बनाता है कि हाँ भाई हम अपने हाथ का बना हुआ खिलाएं, तो उसकी बात अलग ही होती है, होममेड चीज़ों की बात अलग ही होती है। और फिर शाम में जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बारबेक्यू नेशन मामा से पार्टी लेने के लिए। तो एक्चुअली मेरे मामा जो है माशाल्लाह एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है हेल्दी हमेशा। आई होप आप लोगों को भी उसके बारे में पता होगा। और अगर आप उस चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो उनके माशाल्लाह 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो हमने बस बोला कि मामा अब तो आप आ गए हो, आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। तो बस हम निकल गए थे उसके लिए शाम को। हमारा जो टाइम स्लॉट था वो 9 o'clock का था। काफ़ी देर के बाद, मतलब हमें आधे घंटे के रास्ते में हमें 1 घंटा लग गया था पहुँचने में। हम लोग ऑन टाइम थे, एग्जैक्टली 9 o'clock हम लोग पहुँच चुके थे, लेकिन तब भी उन लोगों ने हमें बाहर वेट करवाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह तो वो करते ही है ना। तो उन्होंने हमें आई गेस 15 to 20 minutes हमें वेट करना पड़ा। पूरी सीपी का ना व्यू इतना अच्छा आ रहा था, पूरे कनॉट प्लेस का। ओ माय गॉड, इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी ना गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। और पूरा सीपी यहाँ से दिख रहा था, आप लोग देख ही सकते हैं, इतना कामिंग लग रहा था ना। ये रूफ टॉप पे था बारबेक्यू नेशन और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एम्बियंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं हम सब लोग और बस खाने की बारी है। तो मेन अट्रैक्शन तो इसका ऑब्वियस ही बात है बारबेक्यू नेशन, बारबेक्यू ही इसका मेन अट्रैक्शन है। तो टेबल्स पे ही ना उन्होंने वो लगा रखा था बारबेक्यू के लिए और वो लोग ना ऐसे सर्व कर रहे थे आके। तो हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे बस ठीक ठीक थे, मुझे तो कुछ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया। और स्पूंस इतने, मतलब स्पूंस, फोर्क, नाइव्स इतने टाइप के थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा चूज़ करूँ। तो यहाँ पे बस ये मैं मेरी प्लेट है। इस कॉर्न्स इनके बहुत अच्छे थे, बहुत क्रिस्पी एंड आई डोंट नो हाउ दे हैव मेड इट, बट बहुत अच्छे थे। और उसी के साथ साथ मुझे पाइनएप्पल बारबेक्यू भी बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत टेस्टी था। वैसे तो सारी चीज़ें ही बहुत बढ़िया थी, बस मुझे इनके ना चिकन लेग पीस बस ठीक थे और बाकी सारी चीज़ें प्रॉन्स, मशरूम्स, कबाब, ये सब बहुत टेस्टी था।
उन लोगों की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, और बहुत अच्छे से वो लोग ना हमें सर्व कर रहे थे विद अ स्माइलिंग फेस, और बार बार पूछ रहे थे कि मैम आपको कुछ और चाहिए, सर आपको कुछ चाहिए, तो बच्चों का भी उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, सर्विस वाज वेरी गुड। अच्छा, और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इनका ना, इसे इन्होंने ओपन किचन टाइप्स बनाया हुआ था, बस इन्होंने ग्लास लगाए हुए थे और इतना कूल लग रहा था ये। तो यहाँ पे बस हम डिनर ले रहे थे, डिनर एक्चुअली जो मतलब नॉनवेज आइटम्स थी ना वो मुझे बस थोड़ी मतलब ठीक ठीक लगी, वो थोड़ा ना उनमें मसाला कम था, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने तो वही लिया था खैर चाइनीज़, तो वो काफ़ी टेस्टी था, लेकिन मम्मा को ना वो कीमा इनका बहुत अच्छा लगा, मम्मा कह रही थी बहुत टेस्टी है, तो मैंने तो ट्राई नहीं किया, तो मम्मा मेरे भाई को खिला रही थी और उसको काफ़ी अच्छा लगा सब कुछ। तो यहाँ पे बस हम इंजॉय कर रहे हैं, और फैमिली के साथ इतना मज़ा आता है ना, सब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, यू नो थोड़ा सा केओटिक भी होता है, थोड़ा सा फन होता है, बहुत मज़ा आता है। कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, कोई कहता है वहाँ से उठा के दे दो, यहाँ से उठा के दे दो, बहुत मज़ा आता है मुझे तो। और डेजर्ट में इनके पास बहुत सारी वैरायटी थी, मैंने तो मतलब मैं इतना ज़्यादा स्वीट खाती नहीं, बट मैंने सोचा आज के ना चलो बहुत सारा खाएंगे, और स्वीट्स में मुझे इनका चॉकलेट केक बहुत टेस्टी लगा, मतलब रेड वेलवेट केक से ज़्यादा अच्छा मुझे इनका चॉकलेट केक लगा, बहुत टेस्टी था। और इनके पास स्वीट में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और आई गेस गाजर का हलवा भी था, खैर वो तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे केक्स ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो खाए। और यहाँ पे बस मेरे मामा की बेटी हाई कर रही है, और ये मेन जो हमारा अट्रैक्शन था आज का 3 मिलियन सब्सक्राइबर का केक, और ये हम लोगों ने इन्जॉय किया घर आके, क्योंकि मेरे मामा की जो छोटी बेटी है वो सो गई थी, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो बस उसके बाद हम लोग गए इंडिया गेट, थोड़ा सा घूमे फिरे और मौसम को एंजॉय किया, वेदर वाज वेरी नाइस। और फिर हम लोग घर आ गए, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग लवली पीपल।